तो सतयुग में भगवान का रंग है सफेद, त्रेता में लाल और द्वापर में श्याम, मतलब नीला श्याम घनश्याम। सतयुग में भगवान है हंस, त्रेता में है यज्ञ और द्वापर में है कृष्ण। सतयुग में भगवान की प्राप्त करने की विधि ध्यान, त्रेता में क्या ज्ञानी बन गए आप, त्रेता में यज्ञ, और फिर आप लोगों को प्रमाण भी दीजिएगा, कोई कहे ना ये कहां, तो सीधा कहना चाहिए कृते सतयुगे ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतोमघे और द्वापरे परिचर्यायाम। और द्वापर युग में विधि जो है वो है परिचर्या। अब ये तीन युग हो गए ना, तो अब निमि महाराज और इंटरेस्ट लेने लगे, महाराज हे करवाजन जी आपने तीन युगों का बता दिया लेकिन कलयुग का नहीं बताया, और हम तो कलयुग में हैं, ये सब युग तो ठीक हैं लेकिन हमारा जो लेना देना, हमें जो वास्तविक जो करना हो तो कलयुग में है। तब पूछते हैं कि इस कलयुग में, कलयुग में भगवान का रंग कौन सा है, नाम कौन सा है और उसे प्राप्त करने की विधि क्या है। तो स्पेशल कलयुग के लिए करवाजन ऋषि एक श्लोक बोलते, ये भी भागवत का श्लोक है, शायद आपको किसी ने न सुनाया हो, मैं सुना देता हूं। करवाजन ऋषि कहते हैं, कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ति ही सुमेधस, यजन्ति ही सुमेधस। जब कलयुग की बात आई तब करवाजन ऋषि कहते हैं कृष्ण वर्ण त्विषा अकृष्णम, कलयुग में जो भगवान है उस भगवान का रंग कौन सा है, अकृष्ण। त्विषा, त्विषा माने रंग, अंग कांति, तो त्विषा अकृष्णम, कृष्ण माने काला और अकृष्ण माने गोरा, कृष्ण माने काला और अकृष्ण माने गोला गोरा। तो कलयुग की बात भागवत में जब प्रश्न पूछा गया कलयुग में कौन से भगवान, तो कहते हैं कृष्ण वर्ण त्विषा अकृष्णम, उस भगवान का वर्ण, उस भगवान का की त्विषा रंग अकृष्ण गोरा होगा, वह गौर वर्ण के होंगे। आपको यह संस्कृत का श्लोक समझ में आ रहा है, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि ये मैं मेरे मन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब जो मैं कुछ बोलने जा रहा हूं ये बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़े रहस्य की बात है। कलयुग में जिस भगवान का अवतार हुआ ना, महाभारत में इसे प्रछन्न अवतार कहा गया, अन्य युगों में भगवान के जितने भी अवतार हुए ये सब ओपन थे, वह सब खुले अवतार थे, लेकिन कलयुग का जो अवतार था वो प्रछन्न माने छिपा हुआ अवतार, सब लोग इस अवतार के बारे में नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, इसलिए इसे जैसे गीता में कृष्ण के ना रहस्य गुह्य ज्ञान, ये पूर्ण गूढ़ ज्ञान है, और मुझे लगता है कि ये गूढ़ ज्ञान मुझे आप लोगों को सुना देना चाहिए कि नहीं है? क्योंकि आप सब परम श्रद्धालु हैं। तो त्विषा अकृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम, कलयुग के उस भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है, तो कहते हैं संकीर्तन प्राये, ये भागवत का श्लोक है, भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है कि कलयुग के भगवान को प्राप्त करने की विधि संकीर्तन प्राये, संकीर्तन है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में परिचर्या और कलयुग में संकीर्तन है। और इसलिए तो रामायण में लिखा ना कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरो पारा, कलयुग में मात्र भगवान का नाम, मात्र भगवान का कीर्तन करें और भगवान की प्राप्ति करें।
लेकिन वो भगवान कौन है? कलयुग में जिस भगवान का अवतार हुआ वो भगवान कौन है? तब भागवत ने ऐलान किया, कलयुग के जो भगवान है वो और कोई नहीं, वो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु। कई लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं चैतन्य महाप्रभु के विषय में, क्योंकि ये प्रचन्न अवतार है, लेकिन शास्त्र में 1000 प्रमाण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान विष्णु के, कृष्ण के अवतार हैं, कलयुग के वे भगवान हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। अब मैं आपको प्रमाण दूं, क्योंकि ये बात क्योंकि प्रचन्न है इसलिए ठीक से जल्दी समझ में नहीं आएगी। आपने महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम कभी पढ़ा है, कभी सुना है? विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत में भगवान विष्णु के 1000 नाम बताए गए हैं और वैष्णवगण प्राय उनका पाठ करते हैं। सो महाभारत के अनुशासन पर्व में जहां दान धर्म का प्रकरण है, वहां विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के लक्षणात्मक, भगवान विष्णु के जो लक्षण है, लक्षणात्मक नाम का वर्णन विष्णु सहस्त्र नाम में किया गया है। और ये सारे नाम श्लोकों में है, जिन्होंने पाठ किया होगा उनको पता होगा। मैं ये प्रमाण दे रहा हूं, चैतन्य महाप्रभु कलयुग के भगवान है या अवतार है, ये मैं प्रमाण दे रहा हूं विष्णु सहस्त्र नाम से। सो विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक है, सुवर्ण वर्ण है मांगो वरांग चंदनांगदी सन्यास कृत शांतो निष्ठा शांति परायण। ये विष्णु सहस्त्र नाम उनमें ये श्लोक है, और उसमें भगवान विष्णु का एक नाम है सुवर्ण वर्ण। क्या नाम है? सुवर्ण वर्ण। पहले तो इस नाम का अर्थ समझिए, सुवर्ण वर्ण का अर्थ क्या है? मान लो आपको कोई पूछे सुवर्ण वर्ण का अर्थ क्या होगा, है सोने जैसा रंग है, है ना? सीधा अर्थ ये करोगे, लेकिन ये अर्थ नहीं है, है? क्योंकि ये वेदव्यास जी की रचना है भक्तों। और श्लोक आगे पढ़िए, सुवर्ण वर्ण और फिर कौन सा शब्द है? हेमांगो। हेम माने सोना, अंग माने शरीर, सोने जैसा रंग जिसके शरीर का है उसे हेमांग कहते हैं। तो दूसरे शब्द में जब हेमांग कह दिया तो आगे सुवर्ण वर्ण का अर्थ सोना कभी नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कृत की व्याख्या कुछ ऐसी है, रचना कुछ ऐसी है कि एक ही शब्द दो बार रिपीट नहीं होता है। तो सुवर्ण वर्ण का अर्थ, वर्ण का के दो अर्थ होते हैं, वर्ण माने रंग और वर्ण का दूसरा अर्थ है नाम। नहीं कहते हम लोग वर्णमाला, तो मैं हम व्याकरण बना चो व्याकरण के पछी ढ मारी जेम, आप लोग वर्णमाला पढ़े ना, वर्णमाला क ख ग घ घ च छ ज ज ज ट ठ ड ण, ये कभी किया है के कराऊं अभी? तो ये जो ना इसे हमारे हिंदी में, संस्कृत में या गुजराती में इसे वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण का एक अर्थ रंग भी होता है और वर्ण का एक अर्थ शब्द भी होता है। तो आइए फिर से, सुवर्ण माने सुंदर, वर्ण माने शब्द, तो सुवर्ण माने सुंदर शब्द, ठीक है, सुंदर शब्द। तो सुवर्ण वर्ण माने सुंदर शब्द का जो वर्णन करते हैं, सुंदर शब्द का जो वर्णन करते हैं या सुंदर शब्द जो रात दिन गाते रहते हैं उसे सुवर्ण वर्ण कहते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु का एक नाम है सुवर्ण वर्ण। अब आप मुझे बताइए, भगवान विष्णु का कौन सा अवतार
सुवर्ण वर्ण बहुत सुंदर नाम को गाते रहता है, है? चैतन्य महाप्रभु। तो विष्णु सहस्त्र नाम में सुवर्ण वर्ण जो नाम है वो चैतन्य महाप्रभु को लागू होता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे कलयुग के भगवान ईश्वर है जो भगवान के कृष्ण के नाम का रात दिन कीर्तन करते रहते थे, कृष्ण नाम का वर्णन करते रहते हैं, इसलिए उनका नाम है सुवर्ण वर्ण। क्योंकि महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु और विष्णु में कोई अंतर नहीं, इसलिए भगवान विष्णु को सुवर्ण वर्ण कहते हैं। तो एक हुआ, दूसरा हुआ हेमांगो। हेम अंग माने सोने जैसा अंग। भगवान विष्णु के असंख्य अवतारों में, आपको छूट दी जाए, आप खोजिए ढूंढिए, भगवान विष्णु के असंख्य अवतारों में ऐसा कौन सा अवतार है जिस अवतार के शरीर का रंग सोने जैसा है? सोने जैसा। आप बहुत बहुत रिसर्च करोगे ना तो यही पाओगे, क्योंकि ये रिसर्च की गई बात है कि भगवान विष्णु के अवतार में एक ही अवतार ऐसा है जिसके शरीर का रंग सोने जैसा पीला है, और वो है चैतन्य महाप्रभु। तो विष्णु सहस्त्र नाम में ये दूसरा प्रमाण, सुवर्ण वर्ण हेमांग। वरांगस चंदनांगदी, दूसरा तीसरा नाम क्या है? वरांग, जिसके अंग वर्णीय है, अर्थात जिसके सुंदर अंग है, ये भी चैतन्य महाप्रभु के लिए उनके अंगों की है सुंदरता शास्त्र में वर्णन की गई है। चंदनांगदी, जो अपने शरीर पर चंदन लगाते हैं उसे चंदनांगदी कहते हैं, यह भी चैतन्य महाप्रभु के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक में एक शब्द आया, संन्यासकृत। भगवान विष्णु का एक नाम है संन्यासकृत। अब आप मुझे बताइए, भगवान विष्णु के असंख्य अवतारों में ऐसा कौन सा अवतार है जिसमें भगवान विष्णु ने संन्यास लिया हो? है असंख्य। भगवान विष्णु के मूल 10 अवतार, उसे आगे बढ़ोगे तो 24 अवतार, और असंख्य अवतारों में भगवान विष्णु का एक ही अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसमें उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, संन्यासकृत। सो इस प्रकार महाभारत के, भागवत का प्रमाण मैंने दिया, महाभारत के अनुसार भी श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है। अब ये केवल भागवत और महाभारत ही नहीं भक्तों, समस्त उपनिषद, समस्त वेद, समस्त शास्त्र पुराणों में ये सिद्ध किया गया है। मैं कुर्म पुराण की बात करूं, व्यास मुनि ने 18 पुराण लिखे, उनमें से एक है कुर्म पुराण। कुर्म पुराण में व्यास मुनि लिखते हैं, कलिना दह्यमानानाम उद्धराय तमुभूताम। कलयुग में धधकते वाले, जलने वाले, दुखी दग्ध जीवों का उद्धार करने के लिए जन्म प्रथम संध्यायाम, कलयुग की प्रथम संध्या में, अर्थात कलयुग के प्रारंभ में, भविष्यति द्विजालये, किसी ब्राह्मण के घर पर श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म होगा। भगवान कृष्ण के अवतार, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्म लेंगे, यह कुर्म पुराण में लिखा गया है। और आगे बढ़े गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण तो आप सब जानते हैं, खास करके जब किसी की मृत्यु होती है ना, तब गरुड़ पुराण बिठाया जाता है। सो गरुड़ पुराण में लिखा है, ये गरुड़ पुराण आप जानते हैं, भगवान विष्णु के मुख से निकला है। एक दिन गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन है, भगवान विष्णु के पास आए, निवेदन किया कि प्रभु, मरण धर्मा मनुष्यों के लिए कुछ अच्छी शिक्षा आप दीजिए। तो भगवान विष्णु जो बोले, गरुड़ जी ने जो सुना, उसी का नाम है गरुड़ पुराण। तो वक्ता भगवान स्वयं है, इसलिए गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु ने क्या कहा, अहम पूर्णो भविष्यामि। आप पढ़, गरुड़ पुराण पढ़कर देख लीजिएगा, स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संधो विशेषतः। हे गरुड़, मैं भविष्य में, भविष्य तो बहुत लंबा होता है ना,
तब गरुड़ जी ने पूछा कौन से भविष्य में, तो कहते हैं युग संधो, दो युग की जब संधि होगी अर्थात द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ, इस संधि में मेरा जन्म होगा। भगवान विष्णु कहते हैं मैं जन्म लूंगा। तब गरुड़ ने पूछा कहां जन्म लोगे, ऑरलैंडो में, अमेरिका में, कहां जन्म कहां लोगे? तो क्लियर गरुड़ पुराण में लिखा है अहम पूर्व भविष्यामि युग संधो विशेषत, और कहां मायापुरे नवद्वीपे, ये गरुड़ पुराण का शब्द है, मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सची सुतः, सची देवी के पुत्र के रूप में, जैसे कृष्ण का जन्म यशोदा के घर पर, देवकी के घर पर, राम का कौशल्या के घर पर, वैसे कलयुग में मैं सची माता के गर्भ से जन्म लूंगा नवद्वीप मायापुर बंगाल में। गरुड़ पुराण। तत्पश्चात आप लोग देवी भागवत की कभी कथा सुने होंगे, शायद देवी भागवत बोलने वाले ने यह न सुनाया हो, समय न रहा हो। देवी भागवत का यह श्लोक है, उमा महेश्वर संवाद में यह श्लोक आया है, देवादिदेव महादेव यह श्लोक अपने मुख से कहे, यह शिव जी का वचन है। और शिव को कौन नहीं मानता, जो शिव को नहीं मानता हम उनको नहीं मानते। शिव जी देवी भागवत में अपनी पत्नी पार्वती से कहते हैं नाम सिद्धांत संपत्ति प्रकाशन परायण, हे पार्वती नाम और सिद्धांत। भक्तों इस संसार में सबसे बड़ी दो संपत्ति है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे भक्तों, ये डॉलर, ये रुपया पैसा, ये कोई संपत्ति नहीं, दो संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति शिव जी के नजर में, शिव जी के मत से दो सबसे बड़ी संपत्ति है, एक है नाम हरि नाम और एक है सिद्धांत शास्त्रों के सिद्धांत। कई बार हम लोग कथाएं तो सुनते हैं लेकिन उन कथाओं में नाम महिमा या भगवत नाम की चर्चा कथा नहीं होती, या कथा तो सुनते लेकिन सिद्धांत सिद्धांतों की बात नहीं होती। भक्तों कथा बहुत अच्छी है, कथा बहुत सुंदर मीठी लगती है, लेकिन कथा का जो पिलर है वो सिद्धांत होना चाहिए, सिद्धांत रूपी पिलर पर कथा खड़ी होनी चाहिए, नहीं तो इस कान से कथा सुनेंगे यहां से निकाल देंगे, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। तो शिव जी कहते हैं नाम सिद्धांत संपत्ति, नाम और सिद्धांत की संपत्ति को लेकर प्रकाशन परायण, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। कब क्वचित, किस रूप में प्रकट होंगे? तो सीधा लिखा है देवी भागवत में श्री कृष्ण चैतन्य नामना, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम से लोके भविष्यति, भविष्य में कलयुग में वे स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम से, और नाम और सिद्धांत की संपत्ति को लेकर। भक्तों बात आई इसलिए कह दूं, कथा समाज में संसार में बहुत जगह पर होती है, लेकिन आप इस्कॉन के किसी भक्त से कथा सुनोगे ना तो एक बात अलग से आपको मिलेगी और वो है सिद्धांत। कथा तो कथा है लेकिन कथा के पीछे सिद्धांत क्या है, कथा के पीछे एक तत्व चलता है, वो तत्व क्या है? वो जो चैतन्य महाप्रभु के आश्रित और महाप्रभु की परंपरा में जो है वही समझ सकता है और वही दूसरों को समझा सकता है। तो महाप्रभु ने कहा नाम सिद्धांत, शिव जी ने कहा देवी भागवत प्रमाण है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में प्रकट हो। आगे बढ़ते हैं और सिद्ध और प्रमाण की ओर आगे बढ़े तो 18 पुराण में और एक पुराण है नरसिंह पुराण। कौन सा है? नरसिंह पुराण। नरसिंह पुराण में भी कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। कैसे? कहते हैं सत्ये दैत्य कुलाधिनाश समये सिंहोर्ध्व मर्त्यात् कृति त्रेतायाम दशकंदरम परिभवन रामेति नामा कृति।
कहते हैं त्रेता में भगवान राम प्रकट और गोपालान परिपालयन व्रजपुरे भारम हरन द्वापरे। कहते हैं त्रेता में भगवान राम प्रकट होकर दश कंदर का वध करेंगे, नरसिंह पुराण में लिखा है, और द्वापर में कृष्ण गोपाल बनकर प्रकट होंगे और इस पृथ्वी का भार दूर करेंगे, और कलयुग में कलियुगे श्लोक के अंतिम चरण में नरसिंह पुराण में लिखा है गौरांग प्रिय कीर्तन कलियुगे चैतन्य नामना प्रभु हो। नरसिंह पुराण गौरांग प्रिय कीर्तन कलियुगे चैतन्य नामना प्रभु। गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण प्रकट होंगे और संकीर्तन आंदोलन लोगों को संकीर्तन सिखाएंगे। और आगे बढ़े, एक प्रसिद्ध पुराण आपने सबने सुना होगा पद्म पुराण है ना, तो श्री पद्म पुराण में भी लिखा है कि स्वयं भगवान कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। कैसे लिखे हैं पद्म पुराण उत्तरखंड और वैकुंठ वर्णन में लिखा है कलेह प्रथम संध्यायाम गौरांगो अहम मही तले। स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग की प्रथम संध्या में गौरांग अहम मही तले, मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में मही तल इस पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा। कहां पर? तो भागीरथी तटे रम्ये, भागीरथी गंगा के तट पर मेरा जन्म होगा। भविष्यामि शची सुतः, गंगा के तट पर शची माता के पुत्र के रूप में गौरांग महाप्रभु के नाम से कलयुग में मेरा जन्म होगा। ये स्वयं भगवान कृष्ण पद्म पुराण में बताते हैं, श्लोक का प्रमाण मैंने आपको दिया। आगे चले तो ब्रह्म पुराण, मैं आपको इसलिए प्रमाण दे रहा हूं क्योंकि ये ऐसा अवतार है ना, तुरंत विश्वास नहीं होता है लोगों को, इसलिए मैं आपको असंख्य प्रमाण दे रहा हूं। ब्रह्म पुराण आपने सुना होगा, ब्रह्म पुराण में लिखा है कले प्रथम संध्यायाम गौरांगो मही तले भागीरथी तटे भूमनी भविष्यामी सनातना। भागीरथी तट पर इस पृथ्वी पर मेरा जन्म होगा। मत्स्य पुराण में लिखा है मंडो गौर सुदीर्घांग स्त्री स्त्रोत्र स्थिर संभव दयालु कीर्तन ग्राही भविष्यामी कलो युगे। मत्स्य पुराण में भी प्रमाण दिया गया है कि श्री कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे। और एक पुराण है मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण में लिखा है गोलोकम च परित्यज्य लोकानाम त्राण कारणात्। गोलो अपने गोलोक अपने वैकुंठ धाम को परित्यज्य लोगों को वैकुंठ धाम को त्याग करके छोड़कर लोकानाम त्राण कारणात संसार के जीवों को तारने के लिए कलो कलयुग में गौरांग रूपेण गौरांग महाप्रभु के रूप में लीला लावण्य विग्रह भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। ये मार्कंडेय पुराण में लिखा है। और वामन पुराण में कहते हैं और एक प्रमाण वामन पुराण कली घोर तमच्छानात सर्वानाम चार वर्जितान शची गर्भेच संभूय तरिष्यामी नारद। हे नारद, शची माता के गर्भ से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जन्म होगा, हरि नाम का प्रचार करेंगे और उनका अनुगत्य करने वाले वैकुंठ प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महाभारत और अन्य पुराण उपनिषद और वेदों के माध्यम से मैंने आपके बीच में ये एक बात रखी कि इस कलयुग में जो भगवान का युगा अवतार है वह है श्री चैतन्य महाप्रभु। और मजे की बात यह है भक्तों, हमारे लिए बहुत अच्छी बात यह है कि भगवान का इतना सुंदर अवतार, भगवान का यह अवतार होली के दिन प्रकट हुआ। ये होली जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।